आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। मोदी हटाओ देश बचाओ से फिर प्रहार, सावरकर पर टिप्पणी कर फंसे राहुल गांधी, भाजपा को करारा जवाब देने के लिए राहुल गांधी 5 अप्रैल को कर्नाटक का करेंगे दौरा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मोदी हटाओ देश बचाओ से फिर प्रहार, आप बीजेपी और में और बड़े की रार, आप पूरे देश में पोस्टर लगाने को तैयार। जी हाँ, दिल्ली में मोदी हटाओ देश बचाओ लिखे पोस्टर चिपकाने को लेकर कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जबरदस्त टकरार हुई थी, लेकिन अब भी आप इस रार को खत्म करने में मूड में नहीं दिख रही है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने इन पोस्टरों के जरिए अब बड़ा प्रहार करने की प्लानिंग तैयार कर ली है। पार्टी के नेता और अरविंद केजरीवाल सरकार को मंत्री गोपाल राय ने इस संबंध में जानकारी दी है कि उन्होंने बताया कि 30 मार्च को मोदी हटाओ देश बचाओ लिखे पोस्टर पूरे देश में लगाए जाएंगे। जी हाँ, ये पोस्टर 11 भाषाओं में पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में लगाए जाएंगे। आपको याद दिला दें कि कुछ दिन पहले राष्ट्रीय राजधानी में मोदी हटाओ देश बचाओ लिखे पोस्टर कुछ इलाकों में मिले थे। जी हाँ, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस पोस्टर पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाया था। दिल्ली पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई थी कि कई पोस्टर जब्त किए गए हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के दफ्तर से निकल रही एक वैन को भी पकड़ा गया था। जी हाँ, उस वैन में हजारों की संख्या में पोस्टर मिले थे। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। सावरकर पर टिप्पणी कर फंसे राहुल गांधी, कांग्रेस की मीटिंग में जाने से इन नेताओं ने किया इनकार। जी हाँ, स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को बार बार माफी वीर बताने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बयानों से कांग्रेस एक और मुश्किल में घिरती नजर आ रही है। जी हाँ, दरअसल कांग्रेस के सहयोगी दल ही अब राहुल के बयानों पर आपत्ति जताने लगे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस ने आज को विपक्षी नेताओं मीटिंग बुलाई। जी हाँ, लेकिन उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने इस बैठक में आने से साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होने वाली बैठक में हम नहीं जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि राहुल गांधी का कहना है कि मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी हूँ। इससे पहले रविवार 26 मार्च को ही सावरकर पर लगातार विवादित टिप्पणी करने वाले राहुल गांधी को उद्धव ठाकरे ने चेताया था। जी हाँ, ठाकरे ने कहा था कि हम हिंदुत्व विचारक वीर सावरकर का तिरकार स्वीकार नहीं करेंगे। अब उनकी पार्टी के सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी से मुलाकात करने की बात कही। राउत ने सोमवार 27 मार्च को कहा कि वो राहुल गांधी से मिलेंगे और उन्हें बताएंगे कि वीर सावरकर का आपने भाषणों उल्लेखनों ना करें और उनके अपमान से बचे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि वीर सावरकर हमारे लिए आस्था का विषय है। जी हाँ, और उनका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वीर सावरकर हमारे लिए भगवान जैसे हैं, हमारी आस्था उनके साथ जुड़ी हुई है और उनके अपमान को हम किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। संजय राउत ने कहा कि मैं राहुल गांधी वीर सावरकर के मुद्दे पर बात करूंगा। जी हाँ, मैं उन्हें बताऊंगा कि वीर सावरकर ने क्या बलिदान दिया है। सावरकर ने अंडमान निकोबार की कालापानी जेल में 14 वर्ष बिताए थे, उन्हें कालापानी की सबसे कड़ी सजा दी गई थी। संजय राउत ने कहा कि मेरी तरह जो लोग भी जेल गए हैं वे जानते हैं कि वहाँ एक दिन भी कितना मुश्किल है। अयोग्यता विवाद पर भाजपा को करारा जवाब देने के लिए राहुल गांधी 5 अप्रैल को कर्नाटक का करेंगे दौरा। जी हाँ, कर्नाटक में जिस जगह पर राहुल गांधी ने विवादास्पद भाषण दिया गया था और जिसके लिए उन्हें लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया है, कांग्रेस पार्टी उसी जगह पर एक मेगा रैली की योजना बना रही है। जी हाँ, ये रैली 5 अप्रैल को हो सकती है। सूत्रों ने मंगलवार को इनकी जानकारी दी। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के भाषण की योजना बना रही है। जी हाँ, KH मनी मुनियप्पा के लिए वोट मांगते हुए भाषण दिया था। जी हाँ, राहुल गांधी को कर्नाटक के कोलार शहर में अपने भाषण के लिए अयोग्यता का सामना करना पड़ा है, इसलिए कांग्रेस उसी स्थान का जवाबी कार्रवाई में कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रही है और इसका उपयोग अपने लाभ के लिए करना चाहती है। जी हाँ, बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के तैयारी के मैदान में राहुल गांधी ने अपने कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री KH मुनियप्पा के लिए वोट मांगते हुए भाषण दिया था। जी हाँ, मैदान में एक सार्वजनिक रैली में दोहराया अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा था, नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी सभी का एक ही उपनाम है। जी हाँ, और सभी चोर हैं। इन दिनों चोरों ने देश
को लूटा है। उन्होंने कोलार के में एक सर एम विश्वेश्वरैया स्टेडियम में मुला बगल के रोड शो के दौरान और के जी एफ में निगम मेदिये मैदान में एक सार्वजनिक रैली में इसे दोहराया था। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर हाईकोर्ट फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएस न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS News।